जय हिंद ग्रेट टू. आई होप यू हैव रेड दिस पोएम. आई एम लकी. टुडे विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोएम. लेट्स गेट स्टार्टेड. द न्यू वर्ड्स आई हैव मेंशन्ड हियर, आई होप यू हैव कवर्ड देम ऑल. आई विल रीड द वर्ड्स फॉर यू वंस. बटरफ्लाई, थैंकफुल, विंग्स, मैना, रिगल, गिगल, ग्ली, एलिफेंट, रेज, ट्रंक, कैंगरू, ऑक्टोपस. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. द मीनिंग ऑफ रिगल, रिगल इज टू मूव बाय मेकिंग क्विक मूवमेंट्स. आपने कभी अर्थवर्म को चलते हुए देखा है, वो कैसे अपनी बॉडी आगे करता है, फिर पीछे करता है, फिर थोड़ी सी आगे करता है ना. दैट इज कॉल्ड रिगलिंग. दैट मूवमेंट इज बेसिकली रिगल. गिगल, गिगल इज टू लाफ इन अ सिली वे. जब आप किसी सिली से जोक पर हंसते हो, मजे ले लेके हंसते हो, दैट इज कॉल्ड गिगलिंग. कई बार तो अपना पेट पकड़ पकड़ के भी हंसते हो, मुंह बंद करके हंसते हो, दैट इज गिगल. ग्ली, ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी. Use the following words in your own sentences. So the next question for you is, you have to use the following words in your own sentences. The first word is butterfly. I saw a colorful butterfly in the garden. I saw a colorful butterfly in the garden. Thankful. I was thankful to my mother for making a yummy cake for me. I was thankful to my mother for making a यमी केक फॉर मी. अब इसमें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर जो हम लिख रहे हैं आई, वो कैपिटल है. अब सेंटेंस में क्योंकि और कहीं प्रॉपर नाउन नहीं है, तो हमने कहीं भी कैपिटल लेटर रैंडमली कहीं नहीं लिखा. कुछ बच्चे हैं वो केक को उसका सी बड़ा बना देंगे, बटरफ्लाई का बी बड़ा बना देंगे, सो यू डोंट हैव टू डू दैट. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जिस वर्ड को हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे बटरफ्लाई के लिए सेंटेंस बनाया हमने, उसको आप अंडरलाइन कर दो. जैसे इसमें हमने बटरफ्लाई को अंडरलाइन कर दिया, और नेक्स्ट वाले में हमने थैंकफुल को अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि हम थैंकफुल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में. ओके, रिगल, द वर्म रिगल्ड इन द ग्राउंड. द वर्म रिगल्ड इन द ग्राउंड, सो हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया इधर. द नेक्स्ट वर्ड इज गिगल. आई गिगल्ड एट द जोक. I giggled at the joke. Elephant. We saw a white elephant in the forest. We saw a white elephant in the forest. Raise. The elephant. अब यहाँ पे एक mistake है, देखो T जो है वो capital होना चाहिए, तो हम इसको capital कर देंगे क्योंकि first letter है उस sentence का. The elephant raised its trunk and greeted us. आपको मालूम है ना, elephant जब अपने trunk को उठाता है तो वो एक तरह से ग्रीटिंग भी होते हैं. जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे एलिफेंट अपनी ट्रंक को उठा के ग्रीट करता है, वेलकम करता है आपको. और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं. जब वो ट्रंक उठा के अपने खूब ज़ोर से साउंड निकालता है, तो इसका मतलब ये भी है कि उसको गुस्सा आ रहा है ना. तो इस वाले केस में वो अपनी ट्रंक उठा रहा है. द एलिफेंट रेज्ड इट्स ट्रंक एंड ग्रीटेड अस. कैंगरू, कैंगरू हैज़ अ बैग ऑन इट्स स्टमक टू होल्ड इट्स बेबी. Kangaroo has a bag on its stomach to hold its baby. आपको मालूम है ना, kangaroo के stomach पे एक पाउच सा होता है, एक बैग, एक पाउच सा होता है, जिसके अंदर वो अपने बेबी को बिठा के रखता है, और वो जंप भी कर लेता है अपने बेबी के साथ. Octopus. An octopus has eight arms. So these are the examples that I have used to show कि आपको sentences को कैसे, words को कैसे use करना है sentence में, कैसे first letter को आपको कैपिटल में रखना है, और अगर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है बीच में, तो आप बाकी कोई वर्ड्स को, बाकी कोई लेटर्स को कैपिटल में नहीं लिखेंगे, और जिस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर देंगे. ओके, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई अलग सेंटेंस आता है, यू कैन एब्सोल्युटली यूज़ यू नो योर ओन सेंटेंसेज, एंड इट वुड बी रियली बेटर इफ़ आई गेट सम न्यू सेंटेंसेज फ्रॉम यू. अपना दिमाग लगा के आप यूज़ करिए, और वो नए सेंटेंसेज मुझे दीजिए. ये एज एग्जाम्पल, इसको सिर्फ समझने के लिए हम रेफर कर लेंगे. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स. आपको ये दिया हुआ है, हिंट्स दिए हुए हैं बॉक्स में. कैन फ्लाई, कैन सिंग, कैन डांस, कैन हॉप, कैन रिगल. और यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं कुछ नेम्स लाइक अ बटरफ्लाई. अ बटरफ्लाई वॉट कैन इट डू. यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दीज हिंट्स. कैन इट सिंग? अ बटरफ्लाई कैन डांस, कैन हॉप, कैन रिगल और कैन फ्लाई. यू हैव टू राइट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक गिवन हियर एंड कंप्लीट द सेंटेंस. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स. अभी हमने ये जो पोएम पढ़ी थी इसमें बटरफ्लाई ने क्या क्या कह रही है बटरफ्लाई. इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माय विंग्स. सो व्हाई डू यू थिंक दैट द बटरफ्लाई वुड बी थैंकफुल फॉर इट्स विंग्स. बिकॉज इट हैज कलरफुल विंग्स. द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे आर कलरफुल. What can the manna do? Next question is, what can the manna do? We all know the manna can sing. It can sing very lovely songs. What all you can do? Question number 3 is, what can you do? So, I have written about myself. I can write, I can sing, dance, draw, paint. Iske alawa aap aur bhi bahut sari cheeze karte hain. If you can do some cooking, you can do dusting, you can play, you know, you can write all those things. जो आप कर सकते हैं, can मतलब जो आप कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पर वो आंसर में लिखेंगे. अब इसमें आपको क्या देखना है, write के बाद मैम ने कॉमा लगाया है, sing कॉमा लगाया है, dance के बाद भी कॉमा लगाया है, draw and paint. तो last वाला जो रहेगा आपका उसमें आप and करके लिखेंगे और उसके बाद full stop लगा देंगे. उसके पहले कॉमर्स कॉमर्स करके आप उसको सेपरेट करेंगे. और देखो कहीं भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया है बिकॉज ऑल दीज आर वर्ब्स. दीज आर नॉट प्रॉपर नाउन्स, दीज आर ऑल वर्ब्स. सो वी विल नॉट यूज़ कैपिटल लेटर व्हेन वी आर राइटिंग दीज वर्ब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वॉटर. डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वॉटर. लेट्स रीड अबाउट द फिश. हमको कैसे पता है कि फिश हैप्पी है. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली. यस वी नो दैट द फिश वॉज वेरी हैप्पी. तो हमको कैसे पता है कि फिश हैप्पी है, बिकॉज द फिश वॉज हैप्पी एज इट रिगल्ड एंड गिगल्ड विद ग्ली. ग्ली हमने मीनिंग पढ़ा अभी, ग्ली मीन्स हैप्पी. सो वो क्योंकि वो इधर उधर घूम रही है वाटर में इसलिए वो बहुत खुश है. And the fish is thankful because it can wriggle and giggle in the sea water. तो इसमें हम अगर आपको दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछें कि why is the fish thankful, तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं, the fish was thankful as it can wriggle and giggle in the sea water. Next question is, why is the elephant thankful? What is the elephant thankful for? So the elephant is thankful as it can raise its trunk. अब क्वेश्चन में हमने पूछा है what is the elephant thankful for, तो आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, the elephant is thankful as it can raise its trunk. What is an octopus thankful for? An octopus is thankful for its 8 arms. सोचो जरा अगर आपके भी 8 arms हो जाएंगे तो आप कितने सारे काम एक साथ कर सकते हो. सो octopus इसीलिए thankful है because उसके 8 arms हैं. एन ऑक्टोपस इज थैंकफुल फॉर इट्स 8 arms. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कैंगरू थैंकफुल फॉर. अ कैंगरू इज थैंकफुल बिकॉज इट कैन जंप हाई. बिकॉज इट कैन जंप हाई हमने यहाँ पे पढ़ा था, इफ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. सो मून तक पहुँचना मतलब इट कैन जंप वेरी हाई, इजंट इट. सो कैंगरू इज थैंकफुल बिकॉज इट कैन जंप हाय. क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू वर गिवन अ चांस व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम एंड व्हाई. सो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं.
अगर आपको कुछ बनने का चांस मिले, मतलब अगर आपको भगवान जी कहें कि ठीक है ना, ओके मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो आप क्या बनना चाहोगे और क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मे से आई वुड लाइक टू बिकम अ बर्ड सो दैट आई कैन फ्लाई, है ना? तो इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने आपका आधा आंसर लिख दिया है और फिर बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि आप सब कुछ अलग अलग बनना चाहोगे, कोई कुछ बनना चाहेगा, कोई कुछ बनना चाहेगा, तो आई हैव लेफ्ट दैट ब्लैंक फॉर यू, यू कैन फिल इन दिस विद योर चॉइस एंड कंप्लीट द आंसर. सो आई वुड लाइक टू बिकम अ डैश सो दैट आई कैन डैश. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू बिकम अ बर्ड सो दैट आई कैन फ्लाई. आई वुड लाइक टू बिकम अ बटरफ्लाई सो दैट आई कैन हैव कलरफुल विंग्स. ओके, एंड वी एंड द आंसर विद अ फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर 9, वॉट इफ यू वर अ कैंगरू, वॉट वुड यू डू? सो अगर आप कैंगरू हो तो आप क्या करोगे? इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड डैश. सो इसमें भी मैम ने इसको ब्लैंक छोड़ा है, बिकॉज आप अलग अलग चीज़ें करना चाहोगे. समबडी वुड लाइक टू जम्प, समबडी वुड लाइक टू रन, एंड समबडी वुड लाइक टू यू नो रन ऑन 2 feet. सो आपका अलग अलग आंसर है. सो आप इसको अपने चॉइस के हिसाब से फिल करेंगे. इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड डैश. इफ़ यू वर अ टाइगर वॉट वुड यू डू? इफ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर, है ना? रोर मीन्स मेक अ लाउड साउंड, सब सब डर जाएंगे उससे. सो आई वुड रोर. सो यू कैन अगेन राइट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. नेक्स्ट इज, इफ़ यू वर अ फिश वॉट वुड यू डू? सो इसको आपने कंप्लीट करना है जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है. आई इफ आई वर अ टाइगर, तो यहाँ आप लिखेंगे इफ़ आई वर अ फिश कॉमा आई वुड डैश, जो भी आपको कंप्लीट करना है. एंड द लास्ट इज, इफ़ यू वर अ बर्ड वॉट वुड यू डू? सो इफ़ यू वर अ बर्ड तब आप क्या करेंगे? इफ आई डैश डैश डैश, यू हैव टू कंप्लीट इट. नाउ दीज आर अ फ्यू लाइन्स, यू जस्ट हैव टू रीड दोज लाइन्स. इट सेज लेट्स लिसन. सो राइट नाउ आई विल जस्ट रीड आउट द लाइन्स टू यू, यू विल लिसन टू दैट एंड देन यू कैन मेक योर मॉम लिसन टू दिस दीज लाइन्स. Kang has a dream. Okay, what dream does he have? Let's hear it out. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. Okay, it's not a poem. It just says Kang. Kang is the name of this kangaroo. So he's dreaming that he flew into the sky. You can see the pictures that he's flying into the sky like a bird. He's talking to the bird here. He flew to the moon and then he reaches the moon and is talking to the moon. He flew through a cloud aur uske baad wo cloud se fly karta hua. He slipped down a tree. Then here you can see that he slipped down a tree and then he woke up with a bang. To wo jab tree se niche gira to kaisi awaaz aayi? Bang ki jaisi. Now let's write. In this question, you have to add full to the words given in brackets and complete the sentence. You must be dash to your friends. आपको ये ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है लाइक हेल्प, आपको इसके आगे फुल ऐड करना है. सो यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स. मेक अ डैश ड्रॉइंग, द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट इज कलर एंड इफ यू ऐड फुल टू इट द वर्ड बिकम्स कलरफुल. मेक अ कलरफुल ड्रॉइंग. Likewise, you do the remaining two parts of it. Join the two words to make one word. Look at the example. Now here, normally full ke spelling kya hote hain? FULL. But when we combine it with another word, it uska ek l hum drop kar dete hain. For example, jaise abhi aapne upar bhi dekha, humne helpful kiya, hai na? Helpful. You must be helpful to your friends. So isme FULL nahi aayega. HELP help, FUL full. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे पीस प्लस फुल इज इक्वल टू पीसफुल. फुल के स्पेलिंग आपने देखे FUL है, FULL नहीं लिखेंगे हम. प्लेफुल, कलरफुल, केयरफुल, होपफुल. ओके, सो इन ऑल दीज वर्ड्स यू विल एड फुल. रिमेंबर टू ड्रॉप द लास्ट L. डबल एल नहीं लिखना है हमको, एक ही एल लिखना है लास्ट में.
राइट फाइव थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद आई कैन. ओके सो नाउ यू हैव टू राइट, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा, वॉट वॉट ऑल यू कैन डू. सो यू कैन राइट, तो यू राइट आई कैन राइट, आई कैन प्ले हॉपस्कॉच, आई कैन स्किप, यू नो लाइक दिस यू कैन राइट फाइव थिंग्स दैट यू कैन डू. एंड देन यू हैव टू राइट नंबर सिक्स. नंबर सिक्स में आई कैन नॉट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट कुक बट आई कैन ईट, है ना, खाना बनाना नहीं आता हमको बट हम खा सकते हैं. सो आई कैन नॉट कुक बट आई कैन ईट. एंड देन आई कैन नॉट हॉप. हॉप इज जब आप दोनों पैर से एक साथ करते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं आई कैन नॉट स्किप. स्किप स्किपिंग मतलब है ना आपको इसे रस्सी कूदना, दैट इज स्किप. आई कैन नॉट स्किप बट आई कैन हॉप और आई कैन जम्प. सो इस ऐसे में नंबर सिक्स सेवन एट में आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप नहीं कर सकते और बट आई कैन, जो आप कर सकते हैं बट वो सिमिलर होनी चाहिए थोड़ी सी. अब ऐसा नहीं लिखेंगे, हाँ जैसे हम लिख सकते हैं आई कैन रीड बट आई कैन नॉट राइट, उस थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट ना हो कि एक जगह नंबर सिक्स में आपने लिखा आई कैन नॉट कुक बट आई कैन ड्रिंक और आई कैन प्ले, यू नो थोड़ा सा सिमिलर नहीं है. तो इसमें आप ध्यान रखिएगा वो थोड़े से सिमिलर वर्ड्स हों, सिमिलर एक्टिविटीज़ हों. नाउ से अलाउड, इन दिस यू हैव टू से द वर्ड अलाउड, मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल विद द प्रोनंसिएशन. द फर्स्ट वर्ड इज ऑक्टोपस, ऑक्टोपस. एलिफेंट, एलिफेंट. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई. कैंगरू, कैंगरू. प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट दीज वर्ड्स और अपनी आवाज़ सुनो, कान बंद करके आप करोगे तो आपको और अच्छे से सुनाई आएगी कि आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम. ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये लेबल्स में आपको डैशेस दिए हुए हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है. ई द फर्स्ट लेटर इज ई, सो दिस रेफर्स टू द ईयर्स, सो यू कैन राइट ईयर्स. ये क्या है, ट्रंक. It is the trunk of the elephant. So you can write trunk. Similarly here, these are the ears of kangaroo. Ears, legs, and this is the at the back side here we have the tail. So tail. I hope you know the spellings of these words, right? So you have to complete this worksheet and send it across to me. If you have any doubts, drop a message, and I'll see you in the next class. Till then. Goodbye, take care. Bye-bye.